हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मशीन। और आपको बताया भाई, जो आपकी कंस्ट्रक्शन होती है डीसी मशीन की तरह ही होती है सारी मशीन की, लेकिन जो जो चेंजेस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। बाकी फिलहाल सेम ही होता है आपका हर एक चीज़, ठीक है। तो सुनिए जी, ये मान लीजिए मेरे पास स्टेटर है, स्टेटर वाला पार्ट हो गया जी, और यहाँ पे क्या है इसके अंदर भाई, रोटर रखा गया, समझ रहे हैं पॉइंट। ये मेरे पास भाई रोटर हो गया, समझ रहे हैं पॉइंट, ये रोटर पार्ट है, क्लियर है जी पॉइंट। तो स्टेटर का जो आउटर पार्ट होता है ये क्या होता है जी, योक होता है ना। तो योक का मटेरियल सेम ही होता है जो आपका डीसी मशीन में आपने देखा था। तो स्टेटर के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तो स्टेटर का जो योक होता है दैट इज मेड अप फ्रॉम कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ, ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है आपको पता वो किस मटेरियल की बनी होती है जी, सीआरजीयू मटेरियल इसकी बनी होती है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ऑरिएंटेशन। लेकिन वहाँ पे अगर मैं देखा जाए, दिस मटेरियल इज प्रेफर्ड फॉर लो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस वहाँ पे लो थी, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका एयर गैप आ गया, एयर गैप आ गया तो मेरी रिलक्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर रिलक्टेंस ज़्यादा है तो ये मटेरियल मेरे लिए कॉस्टली पड़ेगा, तो इसको मैं वहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आपकी स्टेटर की कोर होगी, स्टेटर कोर इज मेड अप फ्रॉम सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का बना होता है एंड इट इज लेमिनेटेड, और इसको भाई लेमिनेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि स्टेटर के ऊपर कौन सी सप्लाई होती है जी, एसी सप्लाई होती है, और एसी सप्लाई मतलब कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी इसका होगा, मतलब ये हुआ इसके अंदर हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस होंगे। इनको मिनिमाइज करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे। लेमिनेट क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, क्लियर। आगे फिर जो मेन आपका जो पॉइंट है इस लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ स्टेटर स्लॉट, स्टेटर स्लॉट, ठीक है। इसके टाइप्स है भाई वो देख लेते हैं। सबसे पहला आपका होता है जी ओपन, ओपन स्लॉट। दूसरा आपका होता है जी सेमी ओपन, सेमी ओपन स्लॉट। और जो मेरा तीसरा स्लॉट होता है इसको बोलते हैं जी क्लोज्ड स्लॉट, दैट इज क्लोज्ड स्लॉट, ठीक है। जो आपकी डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन ये जो आपका स्लॉट होता है दैट इज यूज फॉर डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस, सिंक्रोनस और डीसी के केस में आप ओपन स्लॉट यूज करते हो भाई। जो आपका सेमी ओपन होता है दैट इज यूज इन इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन में आपका जो स्लॉट हम यूज करते हैं दैट इज सेमी ओपन, समझ रहे पॉइंट। और इसका मतलब ये होता है आपका स्लॉट इस टाइप का होता है जी, यहाँ पे आपकी वाइंडिंग रखी जाती है। सिमिलरली अगर मैं सेमी ओपन टाइप की बात करूं, ये इस टाइप का होता है, यहाँ पे वाइंडिंग रखी जाती है, ये हो गया जी सेमी ओपन। इसका मुंह जो फेस होता है पूरा टिथ जो होता है पूरा ओपन होता है, इसमें गैप कम होता है, क्लोज टाइप बस बिल्कुल बंद होता है, इसके अंदर ही आपका कंडक्टर रखा जाता है, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ इसमें एयर गैप कितना है जी, इसमें एयर गैप है ज़्यादा, इसमें एयर गैप है ज़्यादा, इसमें एयर गैप कितना है जी, एयर गैप इज मिनिमम, और इसमें एयर गैप क्या जी मॉडरेट है, जो एयर गैप है वो मेरा क्या है जी मॉडरेट, समझ रहे हैं पॉइंट। तो आगे थोड़ा सा देखिए जी इसके अंदर और क्या क्या चीज़ आएगी, मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ हर एक पैरामीटर आपके टाइप ऑफ स्लॉट के अंदर क्या क्या चीज़ आने वाली है। यहाँ पे लिखते हैं जी टाइप्स ऑफ स्लॉट, टाइप्स ऑफ स्लॉट, यहाँ पे पैरामीटर लिखिए जिस पैरामीटर की मैं बात करूँगा, पैरामीटर यहाँ पे लिखिए जी ओपन, ये हो जाएगा सेमी ओपन, इसको बोलेंगे जी क्लोज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैग्नेटाइजिंग या नो लोड करंट की वेरिएशन मेरे पास आती है जी, इसके बाद मेरे पास पावर फैक्टर का बात आती है, इसके बाद मेरा रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की बात आती है, समझ रहे हैं पॉइंट। ये तीन पैरामीटर देखते हैं जी इनमें क्या क्या होंगे, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए जी, इसमें जो आपकी एयर गैप लेंथ है ज़्यादा है, एक रिलक्टेंस भी देख लेते हैं जी, रिलक्टेंस ये है जी मेरा रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस के साथ ही सारे पॉइंट मैं डिफाइन करूंगा, रिलक्टेंस पहले लिख लेना आप, मेरे पास मैंने उल्टा लिख दिया, सबसे पहले रिलक्टेंस देखेंगे। ओपन में एयर गैप ज़्यादा है मतलब जो रिलक्टेंस है वो क्या जी मेरा हाई है, और सेमी ओपन में रिलक्टेंस मेरा मॉडरेट है,
इसका मतलब एयर गैप अगर मॉडरेट है तो रिलक्टेंस भी क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। इसमें एयर गैप कम है, इसका मतलब जो मेरी रिलक्टेंस रहेगी वो कम रहेगी। मुझे एक चीज बताइए, जो मेरा फ्लक्स होता है वो क्या होता है जी, एन आई डिवाइड बाई रिलक्टेंस। जिसमें रिलक्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट भी मुझे ज्यादा चाहिए होगा टू मेक फ्लक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका मतलब इसमें रिलक्टेंस ज्यादा है तो आई नॉट भी क्या होगा जी मेरा, ज्यादा होगा। इसमें क्या रहेगा, मॉडरेट रहेगा। और इसमें लो है तो अगर रिलक्टेंस लो है तो करंट भी मुझे लो ही चाहिए होगा टू प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट फ्लक्स। क्लियर है जी पॉइंट। आगे सुनिए जी, पावर फैक्टर। आपको मैंने ट्रांसफॉर्मर में बताया था जी, मेरे पास फ्लक्स था, इसके दो कंपोनेंट थे भी, एक तो IE था, एक था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, अगर जिसका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इंक्रीज हो जाए, सबसे पहले नो लोड करंट किसके इक्वल था भाई, ये मेरे पास आई नॉट था, ये मेरा E था, यहाँ पे एंगल कितना है जी फाई नॉट। मैंने बताया था अगर मैग्नेटाइजिंग करंट इंक्रीज हो गए तो रिजल्टेंट अब क्या बनेगा, दिस वन, ये मेरा रिजल्टेंट बनेगा जी आई नॉट। समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं एंगल की बात करूं, ये जो एंगल है पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और कॉस में अगर एंगल इंक्रीज हो जाए, कॉस में अगर एंगल इंक्रीज हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब जिसका मैग्नेटाइजिंग करंट ज्यादा है उसका एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लो, यहाँ पे हो जाएगा मॉडरेट, और यहाँ पे पावर फैक्टर क्या रहेगा जी, हाई रहेगा। समझ रहे हैं पॉइंट। आगे आ जाती है जी रिएक्टेंस की बात। तो मुझे एक चीज बताइए, जो इंडक्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलक्टेंस। जिसका रिलक्टेंस होगा ज्यादा उसकी रिएक्टेंस क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हैं पॉइंट। मतलब इंडक्टेंस कम होगा, अगर इंडक्टेंस कम है इसका मतलब उसकी रिएक्टेंस भी क्या होगी, कम होगी। ये रिएक्टेंस कौन सी है जी, लीकेज रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस। इसका मतलब ये हुआ जी, मेरा रिलक्टेंस हाई है, अगर रिलक्टेंस हाई है तो लीकेज रिएक्टेंस इसमें क्या होगा, लो होगा, इसमें क्या होगा, मॉडरेट होगा, और इसमें क्या होगा जी, हाई होगा। करेक्ट हुई इतनी बात। तो मुझे एक चीज बताइए, इंडक्शन मोटर के लिए हम कौन सा यूज करेंगे जी, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन टाइप। समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये भाई आपने याद रखना है, कई बार डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैंने एक एक चीज को आपको प्रूव करके बताया हम ऐसे क्यों करते हैं। समझ रहे हैं पॉइंट। अगर मैं ओपन टाइप की बात करूं, ओपन टाइप में मेरा जो रिएक्टेंस है वो क्या जी, वेरी स्मॉल है, जो रिएक्टेंस है वो कम है। आपने देखा था इंडक्शन मोटर में, सॉरी सिंक्रोनस में, आपकी पावर किसके इक्वल आई थी, ई एफ डिवाइड बाई एक्सएस इंटू साइन डेल्टा। अगर इसकी वैल्यू कम है तो मेरी पी ई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब मेरी जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। इसीलिए सिंक्रोनस और डीसी में हम क्या करते हैं भाई, आपका ओपन टाइप यूज करते हैं, इंडक्शन में क्या यूज करते हैं, सेमी ओपन टाइप। क्लियर है जी पॉइंट। ये था भाई आपके टाइप्स ऑफ स्लॉट। आगे देखते हैं जी टाइप्स ऑफ रोटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भाई, तो इसको भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रोटर। तो लिखिए जी टाइप्स ऑफ रोटर, और रोटर के बिहाव पे ही मेरी जो इंडक्शन मोटर है वो दो टाइप की होती है, एक होती है जी स्कर्ल केस, एक क्या होती है जी स्लिप रिंग। तो मैं दो टाइप की देखता हूं भाई, एक है स्कर्ल केस, स्कर्ल केस इंडक्शन मोटर, और एक मेरे पास है जी बाउंड रोटर टाइप, बाउंड रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। समझ रहे पॉइंट। तो दो टाइप की मेरे पास भाई इंडक्शन मोटर होती है। समझ रहे पॉइंट। इसमें देखिए जी मेरे पास क्या क्या होता है, सबसे पहले वाइंडिंग देखते हैं जी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कॉपर और एल्युमिनियम बार यूज करते हैं, बार्स आर एम्बेडेड इन सेमी ओपन टाइप स्लॉट, सेमी ओपन टाइप स्लॉट। समझ रहे हैं पॉइंट। मतलब ये होता है, अगर मैं ध्यान से देखूं इसके जो, अगर रोटर की मैं पोजीशन आपको दिखाऊं, इसमें क्या होता है जी, आपके एल्युमिनियम या कॉपर की हम वायर यूज करते हैं, और ये क्या करते जाते हैं, स्क्यू किया जाता है। स्क्यू का मतलब है ये तिरसे से लगाई जाती है। इसका रीजन ये है, इसके साथ आपकी जो हार्मोनिक्स है वो क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है। समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये मेरे पास भाई ऐसे ऐसे कॉपर की वायर्स लगाई जाती हैं, और इसके अंदर वाले पार्ट में भी ऐसी होगी, जो अपोजिट साइड आज मुझे नहीं दिख रहा। समझ रहे हैं पॉइंट। ऐसे ऐसे करके भाई आप यहाँ पे लगाते हो। समझ रहे हैं पॉइंट। और इसके जो एंड रिंग होते हैं, ये जो टर्मिनल होते हैं, इनको भाई शॉर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स।
समझ रहे हैं पॉइंट। एंड रिंग्स के साथ आपके जी सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, मतलब जो कंडक्टर हैं, इनको क्या कर दिया जाता है जी, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। समझ रहे हैं पॉइंट। तो इन सभी को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। समझ रहे हैं पॉइंट। सो दैट शॉर्ट सर्किट इसलिए करते हैं सो दैट अगर ये ओपन रहेंगे तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा, अगर करंट नहीं जाएगा तो कोई भी फ्लक्स मेरा प्रोड्यूस नहीं होगा। क्लियर। तो एंड रिंग के साथ वही आप क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट करती है, ठीक है, एंड रिंग्स। और एंड रिंग्स का जो मटेरियल होता है वो सेम मटेरियल होता है एज द कॉपर बार। क्लियर। इसमें क्या होता है, बाइंडिंग नहीं होती, बस एक पत्तियों से मिलके बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, आपकी कॉपर की बाइंडिंग हम यूज करते हैं, कॉपर बाइंडिंग इज यूज्ड विच इज, जो क्या होता है जी, आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शॉर्ट पिच्ड, और शॉर्ट पिच किया जाता है। समझ रहे हैं पॉइंट। और इसमें जो एयर गैप होता है भाई, एयर गैप क्या होता है इसमें, एयर गैप इज मोर देन स्कर्ल केज इंडक्शन मोटर। मतलब क्या हुआ, ये जो स्कर्ल केज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर बार्स होती है, इसमें वाइंडिंग होती है, और इसमें जो एयर गैप होता है, एयर गैप इज लेस, एयर गैप इज लेस। अगर एयर गैप लेस है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी क्या होगा, कम होगा। अगर मैग्नेटाइजिंग करंट कम है तो पावर फैक्टर क्या होगा मेरा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो पावर फैक्टर होगा जी, पावर फैक्टर ऑफ स्कर्ल केज इंडक्शन मोटर वो क्या होगा जी, बताइए जी, स्कर्ल केज इंडक्शन मोटर इज लार्जर देन पावर फैक्टर ऑफ बाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर। समझ रहे हैं पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एयर गैप इसमें ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है, कम होता है, उसके बिहाव पे मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं पॉइंट। आगे सुनिए जी, इसमें क्या होता है, जो आपका स्टेटर होता है इंडक्शन मोटर में, आपका जो स्टेटर होता है राजे, वो स्टार और डेल्टा दोनों में कनेक्ट हो सकता है, स्टार और डेल्टा दोनों में कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जो मेरा रोटर होता है वो ऑलवेज किस में कनेक्टेड हो सकता है जी, ये मेरे पास रोटर है, रोटर के अंदर वाइंडिंग है, ये देखो मैं वाइंडिंग के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रोटर है मेरा, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार, मतलब ये ऑलवेज बॉन्ड किया जाता है इन स्टार, ठीक है। और जो आपका रोटर है, रोटर कैन बी बॉन्ड फॉर एनी नंबर ऑफ पोल, एनी नंबर ऑफ पोल, एनी नंबर ऑफ पोल के लिए हम इसको बॉन्ड कर सकते हैं भाई। और इसके जो कंडक्टर्स होते हैं ये क्या किया जाते हैं भाई, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, स्लिप रिंग यूज़ करेंगे, अगर तीन वायर है तो तीन स्लिप रिंग मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं पॉइंट। तो स्लिप रिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं जी, इसको शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। तो इस स्लिप रिंग के साथ हम क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। ऐसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसमें हम एंड रिंग्स यूज करते हैं इसको शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। स्टार और डेल्टा में कनेक्ट हो सकता है जी आपका स्टेटर, लेकिन रोटर आपका ऑलवेज स्टार में कनेक्ट होगा। करेक्ट हुई इतनी बात। और ये मेनली हम जो आपका जो फॉर मैकेनिकली बैलेंस के लिए, फॉर मैकेनिकली बैलेंस, जो आपका रोटर होता है दैट इज बॉन्ड फॉर थ्री पोल, समझ रहे हैं पॉइंट, सॉरी थ्री फेज के लिए हम बाउंड करते हैं, एनी नंबर ऑफ फेज के लिए बात कर रहा हूँ मैं, एनी नंबर ऑफ फेज, इसीलिए इसको पॉली फेज बोलते हैं जी, पॉली फेज इंडक्शन मोटर। समझ रहे हैं पॉइंट। एक चीज और देखिए भाई, अगर स्टेटर के मैं पोल चेंज कर दूं, इफ स्टेटर पोल आर चेंज्ड, अगर स्टेटर के मैं पोल चेंज कर दूं, उसके साथ क्या होगा, ये मेरी पूरी आयरन की बॉडी होती है, इसके अंदर कॉपर वायर्स होती हैं, ये अपने अकॉर्डिंग जितने पोल आपके रोटर पे बनेंगे उतने पोल आपके, सॉरी जितने पोल आपके स्टेटर पे बनेंगे उतने पोल आपके रोटर में ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली, क्योंकि आयरन है, इसके अंदर पोल मेरे प्रोड्यूस होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस्ड पोल्स इक्वल टू स्टेटर पोल। समझ रहे हैं जी पॉइंट। लेकिन इसमें क्या होता है जी, इसमें तो हम वाइंडिंग के साथ उसको बांधते हैं, ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टेटर के होते हैं पोल उतने पोल के लिए मैं रोटर अपना बाउंड कर देता हूं। मान लीजिए अगर मैंने इसके पोल चेंज कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली अपने पोल को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मुझे इस रोटर को रीबाउंड करना पड़ेगा, मतलब उसको दोबारा मुझे
उसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी सो दैट नंबर ऑफ पोल दोनों के क्या हो जाएं सेम। मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया था फॉर कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों के जो पोल है स्टेटर और रोटर के वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। समझ रहे जी पॉइंट। तो ये सारे भाई मेरे पास यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं। दूसरा ये है कि जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है इन स्कर्ल केज इंडक्शन मोटर वो क्या होता है स्मॉल होता है वेरी स्मॉल ठीक है। दैट इज हियर नो प्रोविजन फॉर किसकी कोई प्रोविजन नहीं होती जी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई भी प्रोविजन नहीं होती। मतलब ये हुआ जो आपकी स्टार्टिंग टॉर्क होती है आगे मैं बताऊंगा वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रोटर रेजिस्टेंस में कम होता है इसका मतलब स्टार्टिंग टॉर्क क्या भी इसकी कम है इसका मतलब इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है लो होता है। इसीलिए इस मोटर को हम यूज करते हैं इट इज यूज फॉर स्मॉल रेटिंग के लिए यूज करते हैं जो आपकी छोटी छोटी मोटर होती हैं ठीक है उसमें हम इसको यूज करते हैं। समझ रहे हैं पॉइंट। लेकिन इसमें क्या होता है देयर इज अ प्रोविजन फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडिशन। इसमें क्या होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एडिशन की भाई प्रोविजन होती है। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू होता है। आर टू के साथ मैं रोटर के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकता हूं। अगर मैं रेजिस्टेंस को कितनी भी इंक्रीज कर सकता हूं इसका मतलब मैं स्टार्टिंग टॉर्क कहीं भी लेके जा सकता हूं। इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है स्टार्टिंग टॉर्क होती है हाई। इसीलिए दिस टाइप ऑफ मोटर इज यूज फॉर हाई रेटिंग मशीन। ये हाई रेटिंग के लिए हम यूज करते हैं ठीक है। तो सुनिए भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप कैसे ऐड करते हो थ्रू द स्लिप रिंग। यहाँ पे मेरे पास आर एक्सटर्नल मैं ऐसे इसको भाई यूज करूंगा आर एक्सटर्नल इसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं यहाँ पे इसके कनेक्शन ऐसे कर देते हैं। समझ रहे हैं पॉइंट। तो इसमें स्लिप रिंग नहीं होती है उसमें स्लिप रिंग होती है। तो स्लिप रिंग की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकता हूँ। ये मेरी पोजीशन होगी एट स्टार्टिंग। आपने एक डायग्राम और बनाना है सेम डायग्राम बनाइए फिर जैसे ही मेरा रनिंग कंडीशन में मोटर आ जाएगी फिर मैं क्या करूंगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हटा दूंगा आपके रोटर को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। ये हो गया एट रनिंग कंडीशन। समझ रहे पॉइंट। क्वेश्चन एक ये बन जाता है कि आपके जो स्लॉट होते हैं उसको स्क्यूइंग क्यों करते हैं स्क्यूइंग ठीक है टू रिड्यूस या टू इलिमिनेट हार्मोनिक्स। समझ रहे पॉइंट। अगर हार्मोनिक्स होती तो क्या क्या इफेक्ट आता भाई एक तो कोगिंग होता इसमें आता है ये इंडक्शन मोटर में कोगिंग और क्रॉलिंग ठीक है दो फिनोमिनी हम आगे देखेंगे कोगिंग और क्रॉलिंग होगा अगर इसके अंदर हार्मोनिक्स होगी और हार्मोनिक्स को कम करने के लिए हम यूज करते हैं जी स्क्यूइंग द स्लॉट्स। क्लियर है जी पॉइंट। तो इस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर और उनके डिफरेंट पॉइंट और आपके स्लॉट की क्या टाइप्स होती हैं और क्या उसमें क्या क्या पावर फैक्टर लीकेज रिएक्टेंस का क्या क्या वेरिएशन होता है। तो आपने भाई इसको अच्छे से देख लेना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।